हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर टुडे स्पेशल में। गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव अप्रोच के बारे में, कैसे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच से सफलता पा सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए एक स्टोरी पर फोकस करते हैं, ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, सैकड़ों लोगों ने एक मैराथन रेस में भाग लिया। 3 लोगों ने भी उस रेस में भाग लिया, लेकिन विजेता कोई चौथा बना। यहाँ सोचने वाली बात है कि वे तीनों क्यों हार गए थे, उनमें ऐसी क्या कमी थी जिससे वे पहले नहीं हार गई। अपनी कैपेसिटी यानी अक्षमता को आजमाने के लिए ही रेस में भाग लिया था। उसने अपने बेस्ट देने की कोशिश की, पर रेस नहीं जीत पाया क्योंकि उसने सिर्फ अपनी कैपेसिटी यानी अक्षमता को आजमाने के लिए ही रेस में भाग लिया था। अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो उसने अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए रेस में भाग लिया। तीसरे व्यक्ति ने मैराथन रेस में कभी भाग ही नहीं लिया था, वह केवल मैराथन में भाग लेकर देखना चाहता था। पर उस चौथे व्यक्ति ने अपने आप को एक विजेता की सोच से मैराथन में भाग लिया और उसने रेस को पूरी लगन और मेहनत के साथ जीता भी। गाइज, इस कहानी को यहाँ इस वीडियो में बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो भी अनसक्सेसफुल हुए, उन्होंने अपनी परीक्षा को उन शुरू के 3 दोस्तों के समान दिया होगा। हम में से कुछ केवल अपने पेपर को देकर देखना चाहते हैं और कुछ सोचते हैं कि अभी तो उम्र बहुत है। कुछ सोचते हैं मेरे दोस्त का तो एग्ज़ाम पास ही नहीं हुआ, मेरा कैसे होगा। पर हम में से जो सफल स्टूडेंट हुए, उन सभी ने अपनी परीक्षा को उस चौथे व्यक्ति की तरह दिया होगा जिससे कि मैं सफल हो पाई। गाइज, किसी भी कठिन से कठिन काम को करने का एकमात्र तरीका यही है कि अपने अंदर उस काम को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखो। हो सके तो अपने एग्ज़ाम को देकर देखने के बजाय हल्की सी मेहनत करके पास करने की कोशिश की जाए। जिस एग्ज़ाम को हम केवल पेपर के पैटर्न देखने के लिए देते हैं, उसको अगली बार देखने के लिए भी हमें 2 से 3 साल लग जाते हैं। उन 2 से 3 सालों में हमारा सेल्फ मोटिवेशन कितना कम हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी काम तब तक ही भारी लगता है जब तक हम उसको निगेटिव तरीके से सोचते हैं, लेकिन उस काम को ही यदि हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ करने की कोशिश करें तो यह काम जरूर हो जाता है। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमारे अंदर उस काम के प्रति पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप पहले ही निगेटिव तरीके से यह सोचने लग जाओ कि हमारा यह काम या हमारा यह एग्ज़ाम बहुत भारी है, तो वह एग्ज़ाम आपके लिए सच में ही भारी हो जाएगा। दोस्तों, किसी महान इंसान ने एक बात कही है, कौन कहता है सब कुछ नसीब से मिलता है, कौन कहता है सब कुछ नसीब से मिलता है, मेहनत करके देखो हार कर भी सुकून मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, अगर कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।